हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटरी इंस्टीट्यूट दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर टू सॉल्यूशंस केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ हमने अभी तक सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ जैसे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तीन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने पढ़ी थी अभी हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है विच इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे पहले आप ये समझिए कि ऑस्मोसिस स्टडी करने के लिए हम सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन को पता होना चाहिए सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन क्या होती है द मैम्ब्रेन विच अलाउज द सर्टेन साइज ऑफ पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट जो मैम्ब्रेन एक सर्टेन साइज के पार्टिकल्स को अलाउ करती है अपने थ्रू पास होने के लिए उस मैमब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और वाटर है एज अ सॉल्वेंट तो वाटर के पार्टिकल्स को वो अलाउ कर देगी सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन अपने थ्रू पास होने के लिए जैसे कि सेलोफिन मैम्ब्रेन एनिमल मैम्ब्रेन कॉपर फेरोसाइनाइड ये सब सेमी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं सेमी पर्मएबल वर्ड से ही समझ आ रहा है कि कुछ चीज़ों को परमिएट करती है लाइक like कुछ पार्टिकल्स को पास होने देती है अपने थ्रू ऑस्मोसिस क्या होता है आप अगर ये देखिए एक चैम्बर है या एक आ, बीकर है उसको हमने दो पार्ट्स में सेपरेट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस साइड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं विच इज़ वाटर प्योर वाटर और यहाँ पर सॉल्यूशन है जिसमें वाटर है प्लस कोई सॉल्यूट है जैसे कि एन है नमक का पानी और यहाँ पर सिर्फ पानी तो टाइम के साथ ये जो सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन है जैसे हमने फॉर एग्जांपल एनिमल मैमब्रेन ली तो यहाँ से क्या होगा वाटर के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे यहाँ से इस साइड आने लगेंगे ये जो प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। यहाँ पर सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा है तो पार्टिकल्स अपनी हाई कंसनट्रेशन से अपनी लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगे दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस इसके बाद ऑस्मोसिस बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह है ऑस्मोसिस इट इज़ जस्ट लाइक डिफ्यूजन डिफ्यूजन में भी पार्टिकल्स मूव करते हैं हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की साइड बस डिफरेंस ये है कि डिफ्यूजन दोनों साइड मतलब डिफ्यूजन uh, uh, मतलब जैसे अगर हम दो सॉल्यूशन लेते हैं C1 और C2 टू कंसनट्रेशन है C1 वन कंसन्ट्रेशन और C2 टू कंसनट्रेशन तो अगर मैं दोनों साइड मूवमेंट की बात करूंगी, तो वो डिफ्यूजन है डिफ्यूजन में दोनों साइड मूवमेंट होता है लेकिन ऑस्मोसिस में एक साइड मूवमेंट होता है और वो मूवमेंट होगा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की तरह है बस डिफरेंस ये है कि डिफ्यूजन बोथ साइडेड प्रोसेस है और ऑस्मोसिस वन साइडेड प्रोसेस अब होता क्या दो है दो सॉल्यूशन लिए जिनकी कंसेंट्रेशन सी और सी है अब यहाँ पर क्या होगा कंसन्ट्रेशन सीवन ज़्यादा है सीटू से मतलब सीवन की कंसन्ट्रेशन ज़्यादा है मतलब सीवन में ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे C2 में कम सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं तो आप देखोगे यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम है तो पानी ज़्यादा है सॉल्वेंट ज़्यादा है तो अनडाउटडली पानी यहाँ से यहाँ मूव करेगा क्योंकि पानी यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है तो यहाँ से यहाँ पानी जो मूव कर रहा है दिस प्रोसेस इज़ ऑस्मोसिस तो मूवमेंट तब तक होगा जब तक दोनों साइड कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए वाटर के मॉलिक्यूल्स तब तक दूसरे साइड जाएंगे सेमी परमिएबल मेम्र से जब तक दोनों साइड सी वन के बराबर ना हो जाए तब तक मूवमेंट चलता रहेगा राइट right? अब नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर अब वॉट इज ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम जिस साइड सॉल्यूशन है जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन है और यहाँ पर सॉलवेंट यहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है और बीच में सेमी सेमीपर्मिएबल मैम्रेन है अब वो एक्सेस प्रेशर वो एक्सेस प्रेशर जो हम सॉल्यूशन की साइड लगाते हैं पहले आप ये समझिए दोनों साइड एटमोसफेयर है विच इज़ पी एटमॉस्फेयर, पी ए टी एम मीन्स पी एटमोसफेयर अब पाई क्या है बेटा पाई है जो एक्सेस प्रेशर हम लोग सॉल्यूशन की साइड लगाते हैं सो दैट वी जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस दिस प्रेशर इज़ नोन एज ऑसमोटिक प्रेशर मतलब वो एक्सिस प्रेशर जो हम सोल्यूशन पर अप्लाई करते हैं जिससे ऑसमोसिस का जो प्रोसेस हो रहा है वो रुक जाता है दिस प्रेशर इज़ नोन एज ऑसमोटिक प्रेशर और इसको हम लोग पाइज से रिप्रेजेंट करते हैं अब ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है सॉल्यूशन की कंसन्ट्रेशन कितनी है हायर द कंसनट्रेशन जितनी ज़्यादा सोल्यूशन की कंसन्ट्रेशन होगी उतना ज़्यादा हमको प्रेशर लगाना पड़ेगा ऑसमोसिस को स्टॉप करने के लिए टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसनट्रेशन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर विच इज़ इन कैलविन तो पाई इक्वल टू सी आर टी यहाँ पर आर कॉन्स्टेंट है पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर और अगर प्रपोशनैलिटी का साइन हटाते हैं हम लोग तो पाई इक्वल टू सी आर टी जहाँ पे आर प्रपोशनैलिटी कांस्टेंट है विच इज गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है पॉइंट जीरो एट टू वन लीटर एटमोसफेयर पर मोल पर कैलविन कंसनट्रेशन को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन है तो नंबर एंड टू मीन्स टू यहाँ पर हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वन सॉल्वेंट को तो वन यहाँ पर मैंशन नहीं है तो एन टू मतलब सॉल्यूट के मोल्स अपॉन वी क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स ये मैंने यहाँ पे लिख दिया अब हम आगे बढ़ते हैं अगर मुझे यहाँ पे सोल्यूश uh, सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है तो अभी आप आपने देखा पाई कंसनट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स लिखा था अभी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इन टू आर इं टू टी नंबर ऑफ मूल्स को हम क्या लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास तो डब्लू टू अपॉन एम टू तो यहाँ पे डब्लू टू अपॉन एम टू किस जगह लिखा है बेटा नंबर ऑफ मोल्स की जगह तो यहाँ पर आ, पाई नीचे आ जाएगा एम टू इधर तो मतलब हमें सॉल्यूट का अगर मोलर मास कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ये कुछ रिलेशन है प्रेशर के न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो जाता है जैसे वन एटमोसफेयर वन पॉइंट जीरो वन इंटू टेन की पावर फाइव पास्कल विच इज़ इक्वल टू वन पॉइंट जीरो वन इन टू ट्वेंटी पावर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर है विच इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो वन बा विच इज इक्वल टू सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ मकर एंड विच इज इक्वल टू सेवन सिक्सटी टॉट ऑल दिस रिलेशन इट इज इट इज द जस्ट इट इज़ जस्ट अ कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर तो वन ए टी एम को हम इन सब के बराबर लिख सकते हैं अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग टू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब तो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन मतलब सॉल्यूशन का प्रोटीन का सॉल्यूशन है जैसे प्रोटीन शेक पीते हैं तो उसमें लिक्विड है विच इज वाटर एंड सॉल्यूट यहाँ पे प्रोटीन प्रोटीन यहाँ पे सॉल्यूट का, का काम कर रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें गिवन है टू पॉइंट की पावर माइनस बार तो मोलर मास पूछा है सॉल्यूट का तो आपको पाई की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है 2.57 पॉइंट फाइव सेवन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री बार टेम्परेचर सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम है ये V इक्वल टू टू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर uh, क्यूब को हम लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं एक लीटर 10 की पावर थ्री सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है तो अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो टेन की पावर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टू को जब हम टेन uh, की पावर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट लीटर आ जाएगा आर की वैल्यू गिवेन है पॉइंट जीरो एट थ्री लीटर बार पर मोल पर कैवे कैलविन ये लीटर में थी और लीटर बार में और वहाँ जो हमने पीछे पड़ी थी पॉइंट जीरो एट टू वन ये लीटर एटमॉस्फेयर में थी बेटा पर मोल एक लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर कैलवेन यहाँ पे एटमॉस्फेयर है यहाँ बार है बस हल्का सा पॉइंट लाइक पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे पॉइंट जीरो एट टू वन है या पॉइंट जीरो एट थ्री तो यहाँ से मोलर मास हम लोग ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ से हम लोग कैलकुलेट ईजीली कर सकते हैं और आंसर आएगा सॉल्व होकर सिक्स सिक्स वन ज़ीरो टू टू ग्राम पर मोल इसके बाद तीन तरह के सोल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं अगर आइसोटोनिक हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक अब होता क्या है कि दो सॉल्यूशन है एस वन और एस टू अगर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है तो कोई भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो पाई वन पाई टू के बराबर है पाई यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पाई वन इक्वल टू पाई टू हाइपोटोनिक है मतलब सपोज एस वन की कंसंट्रेशन कम है एस टू से तो यहाँ पर क्या होगा कंसंट्रेशन कम है एस वन की तो जिस सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन कम होती है वो सॉल्यूशन कहलाता है हाइपोटोनिक कम है कंसनट्रेशन और अगर इसी केस में एस टू की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो एस टू हाइपरटॉनिक है मतलब जिस सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ वो हाइपरटॉनिक कहलाता है और जिसकी कम है वो हाइपोटोनिक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एन में नमक के पानी में ब्लड सेल को डालती हूँ ब्लड सेल जो ब्लड का सेल होता है तो उसमें पॉइंट नाइन परसेंट डब्ल्यू बाई वी कंसनट्रेशन होती है ब्लड सेल की एन ए सी एल की कंसन्ट्रेशन अगर मैं इतना लेती हूँ पॉइंट नाइन परसेंट तो यहाँ पर दोनों की कंसन्ट्रेशन बराबर है तो ना नमक ना एन ए सी एल वाटर अंदर जाएगा ब्लड सेल के ना ब्लड सेल से कुछ चीज़ बाहर आएगी ब्लड सेल के अंदर प्लाज्मा है तो वो भी बाहर नहीं सॉरी प्लाज्मा बाहर होता है प्लाज्मा के अराउंड प्लाज्मा में ब्लड सेल्स होते हैं तो ब्लड से ब्लड के ब्लड सेल के अंदर जो भी पार्ट है वो बाहर नहीं आएगा सेल के अंदर साइटो है वो बाहर नहीं आएगा लेकिन अगर कंसनट्रेशन ऑफ एन इंक्रीज़ हो जाती है यहाँ पर सपोज़ मैंने वन परसेंट कर दिया तो यहाँ पर कंसन्ट्रेशन ज़्यादा है ब्लड सेल की कम है तो जहाँ कंसन्ट्रेशन कम है और ब्लड सेल की कम है है ना तो यहाँ पे क्या होगा ब्लड सेल में से वाटर या जो भी लिक्विड होगा वो बाहर की तरफ मूव करेगा क्योंकि वाटर अंदर ज़्यादा है बाहर कम है ठीक है तो सॉल्वेंट अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा और ब्लड सेल श्रिंक कर जाएगा लेकिन अगर ब्लड सेल की कंसनट्रेशन कम है सपोज ब्लड सेल की पॉइंट है और इसकी एन की हमने जीरो ले लिया अब यहाँ पर कंसनट्रेशन कम है तो पानी यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर सॉलवेंट कम है तो बेटा अब इस केस में बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगा तो ब्लड सेल स्वेल कर जाएगा इसके साथ एक न्यूमेरिकल देखिए आप ऑस्मोटिक प्रेशर का लाइक अगर एक फाइव परसेंट सॉल्यूशन लिया है डब्ल्यू बाई वी केन शुगर सॉल्यूशन का वो आइसोटॉनिक है यूरिया सॉल्यूशन से मतलब दोनों साइड सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन बराबर है सी वन इक्वल टू सी टू इफ मोलर मास ऑफ़ केन शुगर थ्री फोर टू केन uh, शुगर का मोलर मास थी फोर्टी टू है तो यूरिया का मोलर मास पूछा है तो बेटा आप यहाँ पे देखिए पाई वन इक्वल टू पाई टू है दोनों बराबर है कंसनट्रेशन का फॉर्मूला पता है सी आर टी होता है तो सी यहाँ पे कंसनट्रेशन मैंने मोलैरिटी ली है एम वन आर टी वन एम वन मोलैरिटी ऑफ वन फर्स्ट सोल्यूशन आर गैस कॉन्सटेंट टी वन फर्स्ट सोल्यूशन का टेम्परेचर केन शुगर का ये दे रखा है फाइव परसेंट डब्ल्यू बाई वी तो फाइव ग्राम इन हंड्रेड एम एल सोल्यूशन यूरिया कितना है पॉइंट एट सेवन सेवन परसेंट डब्ल्यू बाई वी वॉल्यूम है तो हंड्रेड पॉइंट एट सेवन सेवन ग्राम इन हंड्रेड एम एल सोल्यूशन ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरह टेम्परेचर बराबर है तो टी आर दोनों कैंसिल एम वन इक्वल टू एम टू और मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम एन लीटर दोनों वॉल्यूम बराबर है हंड्रेड एम एल हंड्रेड एम एल तो कैंसिल आउट हो जाएंगी तो मोल्स बराबर हैं तो यहाँ पे मोल्स का फॉमूला पता है मास अपॉन मोलर मास तो डब्ल्यू वन अपॉन एम वन इक्वल टू डब्लू टू अपॉन एम टू तो यहाँ से मोलर मास सेकेंड का यानी जो हमें यूरिया का पूछा था वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा सिक्सटी ग्राम पर मोल इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस आर आपके घर में भी आर लगा होता है पानी का तो वो किस प्रोसेस पे बेस्ड है रिवर्स ऑस्मोसिस तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है अगर हमने फ्रेश वाटर लिया है और यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन तो होता क्या है अगर हम फ्रेश वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर हम ऑस्मोसिस के प्रोसेस प्रे, को रिवर्स करते हैं लाइक यहाँ पे फ्रेश वाटर और यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन तो अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करूँगी